स्टूडेंट आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली। ओपन योर बुक ऑन चैप्टर नंबर 15, एयर वाटर एंड वेदर। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। द हीट ऑफ द सन इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द एयर, सन की गर्मी जो है एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करती है। द सन हीट्स अप एंड राइज मेकिंग इट्स लाइट, सन की रोशनी से हवा गर्म हो जाती है और लाइट हो जाती है। द हॉट एंड लाइटर एयर राइज अप, और वो ऊपर उठती है। एंड द कूल एयर टेक प्लेस इट, और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर ऑल्सो कॉल्ड द विंड टू ब्लो, यही एयर की मूवमेंट को विंड ब्लो करने में हेल्प करती है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर डू नॉट अब्जॉर्व द लॉस ऑफ द सेम काइंड ऑफ हीट इन द सेम टाइम। लैंड एंड वाटर जो है अब्जॉर्व हीट को अब्जॉर्व नहीं करते हैं सेम टाइम पर। द डिफरेंस कॉज इज सी ब्रीज, और इसी डिफरेंस की वजह से सी ब्रीज इन द डे, दिन में सी ब्रीज होता है और रात को लैंड ब्रीज। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे व्हेन द लैंड गेट वार्म, दिन के समय में जब ज़मीन गर्म हो जाती है। द एयर अबव इट्स ऑल्सो गेट वार्म, तब हवा ऊपर उठती है और गर्म हो जाती है। वैन एयर इज लाइटर, जब गर्म हवा लाइट होती है ठंडी हवा से, इट देयरफॉर राइजेज एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, तब ठंडी हवा गर्म हवा की जगह ले लेता है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसे सी ब्रीज बोलते हैं।